नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय लेकर आ गया हूँ सामुदायिक शौचालय से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि सामुदायिक शौचालय में कार्य करने वाली केयर टेकर महिलाओं को हटाकर वरिष्ठ नागरिक व सेवा निवृत्त को नियुक्त किया जाएगा, तो उसी विषय में बात करने वाले हैं। इस न्यूज के आने के बाद कई जिलों में सामुदायिक शौचालय में कार्य करने वाली केयर टेकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन कर दिया और इसके बारे में SDM और DPRO के पास कई लेटर भी पहुंचे। केयर टेकर महिलाओं ने इस बयान को वापस लेने के लिए DM/SDM को लेटर लिखे, जिसकी बदौलत अब जो है इस बयान को वापस ले लिया गया है। सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयर टेकर महिलाओं को अब नहीं हटाया जाएगा। जिस तरह से वो पहले कार्य कर रही थी, उसी तरह से अगर नियमित रूप से कार्य करेंगी तो वो उस पद पर नियुक्त रह पाएंगी, और यदि किसी भी तरह की खामियां पाई जाती हैं तो पहले पूरी जाँच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद उस केयर टेकर को हटाकर उसकी जगह पर दूसरी केयर टेकर नियुक्त की जाएगी। सभी केयर टेकर महिलाओं को ध्यान रखना होगा कि शासन द्वारा बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं। यदि कहीं भी कोई भी खामियां मिलती हैं तो जांच पड़ताल के बाद तुरंत ही उस केयर टेकर महिला को हटा दिया जाएगा और समूह से कोई दूसरी केयर टेकर महिला नियुक्त कर दी जाएगी। सामुदायिक शौचालय में सही ढंग से कार्य करने के लिए आपको नियमित जिस समय पर बताया गया है उसी समय पर आपको सामुदायिक शौचालय खोलना है, और जिस समय पर बंद करने के लिए बताया गया है उसी समय पर आपको बंद करना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, और यदि कोई भी चीज में टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत तुरंत ही करानी होगी। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि सामुदायिक शौचालय में आपको एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है, जिसमें आपको आने जाने वाले की डिटेल भी लिखनी होगी। केयर टेकर महिलाओं के लिए एक और भी बड़ी खुशखबरी है, सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयर टेकर महिलाओं की सैलरी को पर्सनल खाते में भेजने के लिए प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही इस विषय पर कोई चर्चा आएगी हम आपको तुरंत ही अपडेट कर देंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। सामुदायिक शौचालय में यदि आप कार्य कर रही हैं तो आपको जरूर ज्ञात होगा कि आपको फोटो शेयर करना होता है। अब आपको 3 तरीके के फोटो शेयर करने होंगे। जब आप सामुदायिक शौचालय ओपन करेंगी एक फोटो आपको तब खींचना है, और जब आप उसकी साफ सफाई करेंगी तब आपको एक फोटो खींचना है, और जब आप सामुदायिक शौचालय बंद करके जाएंगे तब आपको एक फ़ोटो खींचकर अपने ग्रुप में शेयर करना है। हमारे द्वारा जो जानकारी बताई गई है वह न्यूज़पेपर की न्यूज है, बस हमने आपको YouTube के माध्यम से जानकारी को समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल पर हम और भी तरह की वीडियो अपलोड करते हैं, कृपया आप उन्हें भी वॉच कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।